गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी गाइज, कैसे हो आप सभी? तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, जहाँ से मैंने पिछले कल छोड़ी थी सब्जी अपनी, वहीं से। तो मैंने कुकर में ये काट ली है और अब मुझे फिर सिटी देनी है और अब मुझे देना है तड़का। तो क्या है कि गाइज, जिस टाइम मैंने ये सब्जी भेजी ना, तो उस टाइम लगभग मेरे को हुए थे 1.5 मंथ हुआ था मेरी सर्जरी को। तो मुझे ना सभी मना कर रहे थे कि भाई मत काम कर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प तो मेरी मम्मी ने की थी, खोदा उन्होंने और चिकड़ी के साथ बीजी थी मैंने, क्योंकि वो समय था बीजने का। अगर हम उस समय ना बीजते ना, तो आज हमारी सब्जी ना होती खाने के लिए, क्योंकि अपने खेत में मेहनत करनी चाहिए। लोगों को खेत में नहीं जा सकते जी, अपने खेत में होता है मज़ा। अगर बीजा हो तो जाओ खेत को और सीधे सब्जी लाओ, उठा के और बनाओ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ और मेरे प्याज हो गए हैं ब्राउन, इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ और मैं इनको विदाउट टमाटर बनाऊँगी, क्योंकि टमाटर के साथ ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसमें ना सबसे ज़्यादा मैंने डाला है सरसों का ऑयल और प्याज भी ज़्यादा से डाले हैं, तो तब ये ना ज़्यादा टेस्टी बनेगी खाने के लिए। तो ये देखिए गाइस, अब मुझे इसमें लगाना है ढक्कना। तो अच्छे से मैंने ये मिलाई, तो ये मेरा ढक्कना लग गया है। तो अब देखूँ मैं थोड़ी देर बाद कि मेरी सब्जी कैसी बनी है। मैं दे रही हूँ झाड़ू और उसके बाद मुझे जाना है चपाती बनाने। तो यहाँ पे मैं कचरा साफ कर रही हूँ और पीछे के जो कपड़े दिख रहे हैं आप लोगों को, ये मेरे कुमरे वाले कपड़े हैं जी, इसमें तो मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, अब मैं बना रही हूँ चपातियाँ, गरम गरम चपातियाँ मम्मी जी को खाने के लिए दूँगी गरम गरम। तो ये देखिए, फटाफट से बना रही हूँ मैं चपाती। तो ठीक है गाइज, मैं बना लेती हूँ चपाती। यहाँ पे गाइस मेरा फुलका हो रहा है रेडी। तो देखिए मेरा फुलका बनके हो गया है जी रेडी। अब मुझे देना है मामी जी को खाना खाने के लिए। तो ठीक है, मैं दे देती हूँ मामी जी के लिए खाना। सो गाइस, मेरी भाजी बनके हो गई है रेडी और मेरे देखिए फुलके यहाँ पे देखिए भाजी, और मेरी माता श्री खा रही है। भाजी कैसी बनी? अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। देखिए मेरी सब्जी और साथ में मेरे तंदूर के ऊपर यहाँ पे दूध रखा और इधर को कहती है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं। और ये देखिए मेरा छपड़ू। कौन कौन रखते हैं आजकल इसमें रोटियाँ? आजकल कोई नहीं रखता है, ये पहले होते थे छाबू। आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे तो छाबू बोलते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं बना लेती हूँ। और इधर को है मेरा हॉटकेस, हॉटकेस में मैंने नहीं रखी। सो गाइस, यहाँ देखिए अभी अभी मुझे एक छोटा सा सांप का बच्चा मिला है, बट है ना जी, अब ये जी दो मुझे तो ये देखिए आसानी से नहीं मरते हैं। देखिए जी, जी मेरे पाँव के नीचे आ गया था। तो यहाँ पे चाचू जी आए, बाप रे।
मरे मुझे दे और छाण मुझे छे हम जो को ना दे ऐसे ही करो पुको बाद दुश्मन ने जीता तो खत्म कर दिया नहीं नहीं अब ये जीता ये जीन दो ना जीन दो अंदोड़ी और या ना ये तो चलो चलिमन देओ उरे एक सिक्को वाला की बात है ये ना मेरे पाँव के नीचे आ गया था फेंका पूरे हुए नहीं, नहीं। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता सोनी एक बार फिर से जी मेरे न्यू ब्लॉग में मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ जी। तो मौसम का हाल देखिए, आज कुछ ऐसे ही हो गया है मौसम, थोड़ा सा घास बचा है, वो होना चाहिए था क्लोज, फिर तो लगी आने भी बारिश। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ ओनली चाय लेके, क्योंकि दिन वाला खाना तो मैंने आज नहीं ले गया है, क्योंकि जो मेरे घास काटने वाली मेरी मासी जी थे तो वो आए नहीं, वो जा रहे थे सुबह सिलेंडर भरने, तो सिलेंडर की गाड़ी आई नहीं, फिर उसके बाद आए वो दिन को ही, फिर मेरे को फ़ोन करके कहती कि मैं अब घास काटने आ रही हूँ और आधा दिन लगाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ फिर चाय लेके, खाना तो मैं आज नहीं ले जा रही हूँ, थोड़ी सी जान बच गई है। और क्या है कि आज ना मुझे दर्द हो रहा है, आज मुझे दर्द हो रहा है टांकों में, क्योंकि मेरे को लोड पड़ा ना, जो मैं घास काटती हूँ ना उसका लोड पड़ा मुझे, तो फिर मुझे हल्की हल्की दर्द हो रही है आज। तो अभी मैं पहुँची हूँ इधर अपने घर के पास, घर के पास ये, तो ये देखिए इधर लोगों ने आपके पीछे को ये बांध दी गए और नीचे से आ रहे मेरे चाचू जी। ये देखिए मेरे चाचू जी बेचारे, इनको भी ना पाँव में लगी थी घास काटते वाली मशीन के साथ, तो ये देखिए जी आए भाई इधर। तो मैं जाती हूँ अब निजी की ओर, आज मुझे चलना मुश्किल हो रहा है, आज मैं नहाई भी, नहाने का भी आज मुझे रत्ती वाला सन नहीं हुआ है कि मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, आज मुझे दर्द ही हो रहा है। तो यहाँ पे है मेरी बड़ी मासी जी, इनका हो गया है सीजन स्टार्ट ये सॉक्स बनाने का, तो ये देखिए जी। तो मैं चलती हूँ नीचे की ओर है, हाँ तो देखिए गाइस मौसम का हाल देखिए कुछ इस तरह का है, बादल ही बादल दिखाई पड़ रहे हैं अभी। ठीक है मैं जाती हूँ, आज मैं उतनी फास्ट नहीं चल पाऊंगी जितना कि मैं पिछले कल चली, आज मुझे लगना टाइम आराम आराम से चलूंगी। आज मैंने उन लोगों के लिए रोटी भी लेगी, एक बिस्किट लेगी वो, तो ठीक है गाइस चलती हूँ आराम आराम से। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं इन लोगों के पास, तो आज देखिए मेरे गिलास, ये चाय पीने के गिलास नहीं पानी पीने के गिलास है, तो मैंने इनको लाई आज इतने इतने फुल फुल दूंगी, आज रोटी की बदला चाय पीऊंगी आज, तो आज के लिए इतने। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं जी तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगी मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।